सातान बहुत बार हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारी बढ़ोतरी को रुकवाने की कोशिश करता है। का जो विजन है ईयर टू बिल्ड एंड प्रॉस्पर। हालेलुया परमेश्वर आज आपको छूना चाहता है। आज जैसे हम ये गीत को गाते हैं कि परमेश्वर तेरे छूने से मेरे जीवन बदल जाता है, तेरे छूने से हर एक बीमार शिफा पाता है, तेरे छूने से मेरे हर एक बंद रास्ते खुल जाते हैं। परंतु हम में से कुछ लोग आज परमेश्वर के प्रेजेंस को वो आदर नहीं दे रहे हैं जो परमेश्वर योग्य है। आज हम उन लोगों की तरह है जो परमेश्वर को कैजुअल ले रहे हैं। परमेश्वर आया है आपको छूने के लिए, टच करने के लिए, पर कुछ व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं कि परमेश्वर को वो निरादर कर रहे हैं। आज उसको वो आदर नहीं दे रहे हैं और परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। आज ऐसे व्यक्ति ना बने कि आप परमेश्वर के कार्य के बीच में एक रुकावट बने। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 6:1-6 हम पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में गया और उसके चेले भी उसके साथ गए। सब्बत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। परमेश्वर आया अपना कार्य करने के लिए, परंतु जब उसको वो आदर नहीं मिला। कई बार हम अपने मसीह जीवन में इतने आगे हो जाते हैं, 10-20 साल हो जाते हैं, हम परमेश्वर के साथ उस संगति को ग्रांटेड में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो वही है जिसने हमें चंगा किया, वही परमेश्वर उठते बैठते हमारे साथ रहता है, हम उसको आदर नहीं देते हैं। और जब परमेश्वर को आदर नहीं मिलता है तो परमेश्वर अपना कार्य नहीं कर पाता उस स्थान में। आज आपकी परिस्थिति वैसी होगी जैसे 10 साल पहले थी, क्योंकि आज आप परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हो। आज परमेश्वर को वो स्थान नहीं दे रहे हो जो आपने पहले दिया था। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे सामने आता हूं और कहता हूं परमेश्वर कि तेरे छूने से मेरी हालात बदल सकती है, तेरे छूने से मेरी परिस्थितियां बदल सकती हैं। मैं उन अविश्वासियों के रूप में नहीं आना चाहता हूं पिता परमेश्वर। तेरे कार्य के बीच में मैं एक रुकावट नहीं बनना चाहता हूं पिता परमेश्वर। जब तू स्थान में आया है पिता परमेश्वर, अपने कार्य को, अपने चिन्ह और चमत्कार को दिखाने के लिए पिता परमेश्वर, मैं उन ग्रुप के लोगों के तरह नहीं बनना चाहता हूं पिता परमेश्वर जो तेरा तिरस्कार करे, जो तेरा निरादर करे पिता परमेश्वर। आइए कलीसिया पूरे आदर के साथ अपने पैरों में हम आएंगे और बोलेंगे, परमेश्वर पूरे आदर के साथ हम तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आदर के योग्य परमेश्वर है। हम तुझे आदर देते हैं पिता परमेश्वर, और आज के दिन हमें छू ले पिता परमेश्वर, हमारे सोच विचारों को छू ले पिता परमेश्वर आज के दिन ये खुदावन, क्योंकि तेरे छूने से पिता परमेश्वर मेरी परिस्थितियां बदल सकती है पिता परमेश्वर। तेरे छूने से पिता परमेश्वर मेरे हर एक बंद दरवाजे खुल सकते हैं पिता परमेश्वर। तेरे छूने से पिता परमेश्वर मेरे हड्डियों में एक नया जीवन आ सकता है पिता परमेश्वर। तेरे छूने से अपनी आवाज को उठाइए और बोलिए, परमेश्वर तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने
से आज बोलिए परमेश्वर अपने सामर्थ के काम आज करके दिखा पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ आया हूँ पिता परमेश्वर कि तू आज मेरे जीवन में बड़े कार्य करके भेजेगा पिता परमेश्वर। हो सकता है आप निराशा के साथ आए होंगे, हो सकता है आप परेशानी के साथ आए होंगे, परंतु आज परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर तेरे छूने से जैसे वो साइरस की बेटी को तूने नया जीवन दिया पिता परमेश्वर, आज मेरा व्यवसाय मरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज मेरा बिजनेस मरा हुआ है पिता परमेश्वर, मेरा परिवार मरा हुआ है पिता परमेश्वर, आज उसमें नया जीवन फूंक दे पिता परमेश्वर, एक नया जीवन पिता परमेश्वर तेरे छूने से पिता परमेश्वर मेरी हर एक परिस्थिति बदल सकती है खुदा बाप। अपनी आवाज उठाते हुए गाएंगे हम तेरे छूने से, तेरे छूने से पिता परमेश्वर, तेरे छूने से पिता परमेश्वर, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से। कलीसिया अपनी आवाज उठाइए और बोलिए परमेश्वर तेरे छूने से, तेरे छूने से। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का छुआ आज अपने जीवन में देखना चाहते हो कि अपनी आवाज को उठाइए, वर्शिप टीम से ज्यादा आज आपकी आवाज आनी चाहिए। जब परमेश्वर सुने तो परमेश्वर को सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे आज के दिन। और परमेश्वर अगर आज एक भी व्यक्ति को आशीष देने के लिए आया हो तो वो आप हो आज के दिन, एक ही व्यक्ति को चंदा करने आया हो तो वो आप हो, क्योंकि आप विश्वास के साथ यहाँ खड़े हो। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हो और बोलते परमेश्वर तेरे छूने से मेरे हर एक बंद दरवाजे खुलेंगे, तेरे छूने से मेरे हर एक परिस्थिति बदलेगी, तेरे छूने से मेरी हर एक परेशानी का उत्तर आएगा, बोलिए परमेश्वर तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, मौजज़ात भी हो जाती है, 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 यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालेलुया, 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 रहूं से तेरे यीशु, पाता हूँ अब भी शिफा, पिता परमेश्वर अपने फलों से आज मेरे जीवन को भर दे, आज अपने फलों से मेरे जीवन को भर दे, बोलिए मेरे सोच विचारों को छू पिता परमेश्वर आज के दिन, मेरे दिल को छू पिता परमेश्वर, आज मेरे चाल चलन को तू छू ले पिता परमेश्वर। बोलिए परमेश्वर आज जिस प्रकार मैं स्थान में आया हूं पिता परमेश्वर, आज एक नया जीवन पाके स्थान से निकलू पिता परमेश्वर, मेरे सोच विचार को छू, मेरे दिल की हर एक बात को पिता परमेश्वर आज तू छू ले पिता परमेश्वर। इस सामर्थ्य परमेश्वर हम तेरे समीप आते हैं खुदावंत, छू ले पिता परमेश्वर, छू ले पिता परमेश्वर। कलीसिया अपने मुंह को खोलिए और बोलिए परमेश्वर मुझे छू ले आज के दिन, मेरे सोच विचार को छू ले, मेरे दिल की हर एक बात को तू छू ले पिता परमेश्वर, आज मेरे हाथों को छू, मेरे पैरों को छू, मेरे शरीर के हर एक अंग को छू ले पिता परमेश्वर, आज छू ले पिता परमेश्वर, आज छू ले पिता परमेश्वर, आज छू ले पिता परमेश्वर, तेरे छूने से, तेरे छू।
हाथ छू ले पिता परमेश्वर, अपने हाथों को उठाते हुए बोलेंगे परमेश्वर आज छू ले, आज मुझे छू ले पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर आज तू मुझे छू ले पिता परमेश्वर। पिता जैसे तूने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया पिता परमेश्वर, और तूने उन्हीं लोगों के जीवन में वो कार्य किया पिता जो विश्वास के साथ तेरे सामने आए थे पिता परमेश्वर। पिता जितने लोग विश्वास के साथ आज तेरे समीप आए हैं पिता परमेश्वर, वो आज इस भवन से खाली नहीं जाएंगे पिता, उनके विश्वास के अनुसार आज तू उनको छुएगा पिता परमेश्वर, आज उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में तू कार्य करेगा पिता परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आगे की सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, जो कुछ हम करें तुझे महिमा और जलाल मिलने पाए। यीशु तेरे सामर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं और मिलके कहते हैं आमेन आमेन और आमेन। आप सबका स्वागत है परमेश्वर के प्रेजेंस में, आमेन। कितने लोग खुश हैं आज के दिन? जितने लोग पीछे बैठे हैं मैं चाहती हूँ आप आगे आ सकते हैं, आगे बहुत कुर्सियां खाली हैं तो आगे आ सकते हैं। और इस समय हम स्पेशली अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो वायरस फैल रहा है तो हम परमेश्वर के प्रोटेक्शन को मांगेंगे। और मैं चाहती हूँ कि किसी को भी माइक दे दीजिए, जो प्रार्थना करना चाहता है अपने हाथ को उठाए और हम प्रार्थना करेंगे। देश की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को रिलीज कर इस देश के ऊपर, अपने स्वर्गदूतों को रिलीज कर, सेफ्टी के एंजल्स को हम मांगते हैं, हम पुकारेंगे। जो भी प्रार्थना करना चाहता है अपने हाथों को उठाइए और माइक आपके पास आएगा। सिस्टर अमृता को माइक दीजिए, और जैसे सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करती हैं, हम मिलके हाँ और आमेन के साथ, विश्वास के साथ हम बोलेंगे हाँ परमेश्वर, हम एग्रीमेंट के साथ आते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, आज हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु आपके चरणों में आते और आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हैं प्रभु, जो अपने बच्चों की हर बातों को सुनते हैं प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज के इस वक्त के लिए प्रभु, जो ये वायरस प्रभु पूरे दुनिया में फैल रहा है प्रभु, तो अपने बच्चों को प्रभु प्रोटेक्ट कर, अपनी पवित्र लहू से प्रभु उन्हें छू कि ताकि ये वायरस उन्हें छू भी ना सके प्रभु। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हम तेरे बनाए हुए हैं प्रभु, तू हमें बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु, तेरा अनुग्रह प्रभु हमारे पे हो प्रभु, तेरे पवित्र फरिश्तों का बाड़ा प्रभु हमारे एक एक जनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ, हमारे अपनों के साथ प्रभु, जो भी पूरी दुनिया में है प्रभु, सब पे तेरा अनुग्रह हो, तेरी शांति हो प्रभु। इस वक्त इस बीमारी की लपेट में पूरी महामारी की तरह ये बीमारी फैल रही है प्रभु, लेकिन हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अभी तक उस चीजों से बचा के रखा प्रभु, अपने पवित्र परों पे प्रभु हमें छुपा के रखा, ताकि ये बीमारी ये वायरस हमसे ना आ सके प्रभु। प्रभु बहुत लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं प्रभु इस बीमारी के लिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक निर्बुद्धि को प्रभु तू ज्ञान दे कि वो इस बीमारी से बच सके प्रभु, क्योंकि ध्यान का देने वाला परमेश्वर केवल आप है, आप ही ज्ञान के देने वाले परमेश्वर, जो अपने बच्चों को ज्ञान देने वाले प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों ने प्रभु तेरे वचन का उल्लंघन किया प्रभु, तूने उन्हें पनिशमेंट किया कि जो चीजें उन्हें नहीं खाना चाहिए प्रभु, जो लय व्यवस्था में लिखा है अध्याय 14 में कि कीड़े मकौड़े नहीं खाना चाहिए प्रभु, लेकिन उन लोगों ने तेरी आज्ञा का पालन ना करके वो चीजें खाएं और वो उसका खामियाजा भुगत रहे मेरे परमेश्वर, लेकिन तू उन पर दया कर प्रभु परमेश्वर, वो भी तेरे बच्चे हैं प्रभु, उन्हें चंगाई दे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हमें ऐसा बना कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके और तेरे वचनों को मान सके, अपने जीवनों में डाल सके प्रभु, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार चले प्रभु, हर एक बुरी चीजों से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानियों से प्रभु बच सके प्रभु, क्योंकि तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, जो हमें प्रोटेक्ट करता है प्रभु। हे प्रभु, प्रभु परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य इतनी बुद्धि दे कि हम तेरे वचन को अपने आगे लेके चल सके प्रभु, जो भी हम कार्य करें प्रभु तेरे वचन को पहले पढ़े, उससे समझे प्रभु, तब उस चीज में आगे बढ़े प्रभु। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक के साथ होना प्रभु, हर एक को छू प्रभु, हर एक को चंगाई दे मेरे परमेश्वर है, कोई ज्ञान दे बुद्धि दे, तो ज्ञान का देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को तू कबूल करना प्रभु, तेरे प्यारे मीठे नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन और आमेन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है परमेश्वर के भवन में, और हम मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं। कई बार हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं ऐसे सीरियस हो जाते हैं, तो अपने पड़ोसी को देख के बोलिए आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो,
अगर उसके साथ आप स्माइल करोगे तो और सुंदर लगोगे। आमेन, आमेन। एक बार फिर मुस्कुरा के बोलिए कि आप सुंदर लग रहे हो। हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी, सच स्टोरी सुनी, हमारे साथ ऐसे भाई बहन जो विश्वास में हमारे साथ चलते थे परंतु आज विश्वास में नहीं है। कई बार हम उनके जीवन को जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, और हम तो बहुत स्ट्रांग हैं, हम गिर नहीं सकते कभी। हम ऐसे सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो गिर गया परंतु मैं नहीं गिर सकता, परंतु वचन में लिखा है कि ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वहीं से तुम्हारे गिरने की शुरुआत होती है ना। जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास में कमजोर होने लगता है, वो गिरने लगता है, हम उसको देख के मजाक उड़ाते हैं कई बार, और फिर हम सोचते हैं कि हम कंपेयर करते हैं अपने आप को उसके साथ। परंतु वचन में ऐसा लिखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कुरिन्थियों में 10:12 में लिखा है कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और बाइबल में भी ऐसे व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने उसको बनाया और वो गिर गए। किसके बारे में, कौन है, कोई गेस? आदम और हवा। सबको पता है स्टोरी आदम और हवा की? सबको पता है? किसी को नहीं पता आदम और हवा की स्टोरी? नहीं पता, कुछ लोग नहीं पता। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2:7 से हम पढ़ेंगे। तो सिस्टर शाइनी आप मदद कीजिएगा। उत्पत्ति की, आदम वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने पहले बनाया। जब कोई मनुष्य नहीं था तो परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2:7 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन की एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को, उसके बाद पढ़िए सिस्टर 15। आदम ने, परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसमें अपने सांस को फूका और अपने स्वरूप में जैसे परमेश्वर दिखता था वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। उसके बाद जब परमेश्वर ने देखा कि आदम उस वाटिका में अकेला है तो परमेश्वर ने किसको बनाया? ईव को बनाया, हवा को बनाया। हम पढ़ेंगे 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वहां उसमें वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। आदम को जब परमेश्वर ने उस वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू सब कुछ खा ले, जो कुछ इस वाटिका में है तू सब कुछ खा ले, पर देख ये पेड़ देख, इस पेड़ में से तूने फल को नहीं खाना। वो एक ही कमांड, वो एक ही इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने आदम को दिया था। उसके बाद जब हम देखते हैं 22 पढ़िए सिस्टर। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस के में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकल गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। आदम और उसकी पत्नी उस वाटिका में, पूरे वाटिका में घूमते थे, परमेश्वर के साथ उनका फेलोशिप चलता था।
और परमेश्वर ने आदम को इंस्ट्रक्शन दिया था कि उस पेड़ में से तुमने खाना नहीं खाना, उसमें से फल तुम्हें नहीं खाना। पर आगे जब हम 3:1 पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने वहां पे एक सर्प को भेजा। हम पढ़ेंगे एक बार, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प ध्रुत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हम यहाँ पे देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह व्यतीत कर रहे थे उस वाटिका में, और एक टाइम आया जब वो सर्प, सांप, या हम कह सकते हैं सैतान, सैटन, डेविल, जो आप अपने भाषा में आप कह सकते हो, वो किस रूप में आया? एक सांप के रूप में किसके पास आया? हवा के रूप में, हवा के पास आया। और उसने हवा को क्या बोला? उसने हवा को क्या बोला? उसने बोला, सब कुछ तो तेरे लिए है, तो इस पेड़ में से क्या तू खा नहीं सकती? शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत चालाक है, वो जानता है आपको किस चीज में और कैसे फंसाना है। शैतान आपके वीकनेस को जानता है, शैतान जानता है कि उस वो आपको कैसे बात करे तो आप जाके पाप में गिरोगे। मैं सोचती हूँ जब आदम फील्ड में काम करने जाता था, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन था, उसको जाना था फील्ड में काम करने के लिए उस वाटिका में, तो ईव जब अकेली बैठती होगी तो हर एक खूबसूरत चीज को निहारती होगी, और उस पेड़ को भी उसने कभी निहारा होगा, और वो फल उसको बहुत आकर्षित लगा होगा। जब उसने उस ट्री के फल को देखा तो उसको आकर्षित लगा होगा, और शैतान को पता चल गया, अच्छा ये फल है, ये इसकी वीकनेस है, अब मैं यहां से कार्य शुरू करूंगा। बाकी सब तो ठीक है, बाकी तो सब खा सकते हैं, परंतु ये जो फल ये नहीं खा सकती, मैं इसको दिखा के इसको पाप में फंसाऊंगा। शैतान बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टली आपके जीवन में पाप को घुसाने की कोशिश करेगा। वो जानता है आपका वीकनेस किस पॉइंट में है। अगर आपका वीकनेस फेसबुक है तो वो फेसबुक लेके आएगा, अगर आपका वीकनेस सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया लेके आएगा, आपका वीकनेस दारू है तो वो दारू को लेके आएगा, आपका वीकनेस पोर्नोग्राफी है तो वो पोर्नोग्राफी को लेके आएगा, और वो जानता है कि वो आपको गिराएगा। और क्या पहले दिन ईव गिर गई? जो हवा थी, पहले दिन ही शैतान आया ईव के पास, हवा के पास, उसने बोला इसको खा ले, अच्छा है, देखने में तो अच्छा है, तू खा ले। पहले दिन तो कभी नहीं हुआ होगा, टाइम टू टाइम शैतान उसके पास आता रहा, उसने एक फ्रेंडशिप डेवलप किया ईव के साथ, हवा के साथ एक फ्रेंडशिप को डेवलप किया, उसने कॉन्फिडेंस को जीता कि हाँ एक टाइम जब आएगा तब मैं इसको बोलूंगा तो ये करेगी। जैसे लेडीज, आपके घर में जब कोई नई मेड आती है, जब फर्स्ट डे आपकी पड़ोसी के बारे में कुछ कहती है तो आप क्या कहोगे? भाई मेरे को मत सुनाना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट 2-3-4-6 महीने बाद अगर वो आपसे कुछ बोलने लगी, अरे दीदी आपको पता है आपकी पड़ोसी तो ऐसी है, फर्स्ट डे आप नहीं सुनोगे, बट 6 महीने बाद अगर वही बात वो बोलेगी तो आप सुनोगे, आप रिप्लाई करने लगोगे। जेंट्स, अगर आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो, आपके नए फ्रेंड्स जब फ्रेंड सर्कल बनते हैं, नए फ्रेंड्स आपको कुछ बोलेंगे तो आप उनकी एडवाइस नहीं सुनोगे, पर जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है उसके बाद अगर वो आपको एडवाइस देगा तो आप उसकी एडवाइस को सुनोगे और उस एडवाइस पे आप चलोगे। उसी प्रकार शैतान ईव के साथ टाइम टू टाइम अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा था। जब आदम जाता था तो शैतान को पता था, अच्छा आदम चला गया, ईव अब अकेली है, अकेले के टाइम में मैं इसको पकड़ूंगा और उसकी अच्छी अच्छी बातें करूंगा, अरे तेरे बाल इतने अच्छे हैं, परमेश्वर ने तुझे इतना सुंदर बनाया, तेरे लिए इतना सब कुछ परमेश्वर ने किया। फिर उसने बोला, अच्छा तू इस पेड़ में से नहीं खा सकती, क्यों ऐसे क्यों बोला? तो शैतान ने एक डाउट डाल दिया ईव के दिमाग में, अच्छा मैं क्यों नहीं खा सकती हूँ?
फिर धीरे 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 शैतान ने उस डाउट को बिल्ड करना शुरू किया और एक दिन ईव उस फल को खा लेती है, जो हवा है उस फल को खा लेती है। और जब उस फल को वो खा लेती है, उस टाइम हवा ने ये नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ इतना अच्छा किया, अगर मैं एक फल को नहीं खाऊंगी तो क्या हो जाएगा। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर इतनी सारी आशीषें दे देता है, परंतु एक आशीष जब हमारे जीवन में नहीं मिलती है तो हम परमेश्वर को कोसते हैं और हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। शैतान की उस बात पे हम जाके गिर जाते हैं, फंस जाते हैं और पाप में जाके फंस जाते हैं, है ना? होता है ना, सच्चाई है ये। जब आप अकेले ऑफिस में बैठोगे तो कोई आके आपसे बोलेगा, अरे सिस्टर आप हर संडे क्यों चर्च जाते हो? पहली बार आप कुछ नहीं बोलोगे, बट टाइम टू टाइम जब वो बोलने लगते हैं फिर आपको लगेगा हाँ हर संडे जाते हैं। फिर शैतान को पता चल जाएगा, अच्छा इसने इस टोन में बोला, इस टोन से मैं पकड़ता हूं और वहीं से मैं इसको गिराना शुरू करूंगा। तो शैतान को ऐसा कोई मौका नहीं दीजिएगा कि वो आपको गिराने की कोशिश करे। और शैतान आपके हर एक बात को, हर एक कॉन्वर्जेशन को नोट करता है। वो एक साइलेंट लिसनर है जो आपके टोन को जानता है कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, किस वे में बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन आदम को आया था, हवा को आया था, या दोनों को आया था? इंस्ट्रक्शन आदम को आया था, हवा को आया था, या दोनों को मिलके परमेश्वर ने बोला था कि तुम दोनों मिलके फ्रूट को नहीं खाना? इंस्ट्रक्शन सिर्फ आदम को आया था, परमेश्वर ने हवा को बनाया भी नहीं था उस टाइम तक। तो हवा को कैसे पता चला कि इस फल को नहीं खाना? ऑब्वियसली आदम ने, जब वो लोग घूमते होंगे उस वाटिका में, परमेश्वर ने जो सृष्टि किया उसके बारे में जब बातचीत करते होंगे, आदम ने बोला होगा, देख जब तू पैदा भी नहीं हुई थी, जब तेरी रचना भी नहीं हुई थी, परमेश्वर ने ये सब चीजें हमारे लिए बनाई और परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया कि इन सब को एक एक नाम दे दे। देख कुत्ते को भी मैंने नाम दिया, इन मछलियों को भी मैंने नाम दिया, इन पशुओं को भी मैंने नाम दिया। और परमेश्वर ने बोला है कि इस वृक्ष से खाना नहीं, बाकी हर एक वृक्ष से तुम खा लो। तो शैतान उनके कॉन्वर्जेशन को सुन रहा था, शैतान उनके कॉन्वर्जेशन को सुन रहा था। और जब हवा अपने अकेले के टाइम जब वो स्पेंड कर रही थी, हो सकता है उस टाइम वो वीक होगी अपने स्पिरिट में, उस टाइम वो प्रार्थना रूपी नहीं बैठी होगी, और शैतान ने आके अटैक करना शुरू कर दिया। और शैतान हमेशा एक सांप के रूप में आता है। आपने सांप को देखता है, देखा हुआ है कैसे वो आता है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, इतनी सी भी जगह मिल जाएगी तो भी सांप घुस सकता है। और शैतान भी ऐसे ही हमारे जीवनों में घुस सकता है एक सांप के रूप में। इसलिए जहां पे भी हम बाइबल में भी देखेंगे, शैतान का जब जिक्र होता है तो सांप के रूप में जिक्र होता है। परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा कि तुम उसको अपने पैरों के नीचे कुचलोगे, जैसे सांप को वो कर्स दिया था कि तुम लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाओगे। तो शैतान आपके जीवन में एक सांप के रूप में कहीं पे भी एंट्री कर सकता है, अगर आप प्रोटेक्शन में नहीं होगे, आप कवरिंग में नहीं होगे, तो शैतान आपके जीवन में घुस सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हुआ क्या। एक प्रचारक ने अपने प्रचार में बोला कि जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर के वीआईपी लिस्ट में आ जाते हैं। किस लिस्ट में? वीआईपी लिस्ट। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, आप परमेश्वर के वीआईपी लिस्ट में हो, और साथ में शैतान के हिट लिस्ट में भी आ जाते हो। बोलिए, पड़ोसी को देख के बोलिए, शैतान के हिट लिस्ट में भी आ जाते हो। क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है, तो शैतान को पता है कि अगर ये बच गया, इसका परिवार बच गया, तो ये बड़े कार्य करके दिखाएगा। तो शैतान के हिट लिस्ट में आप और मैं ऑलरेडी हैं, परंतु हमें कैसे रहना है? बच के रहना है। अब हम देखेंगे, जब हम शैतान के उस पाप में जब हम फंस जाते हैं, तो हम पहले कार्य क्या करते हैं। हम पढ़ेंगे आगे कि आदम और हवा ने क्या किया। साथ पढ़िए सिस्टर, 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते
जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, आदम और हवा तो पहले भी नंगे थे, उनके पास कपड़े तो नहीं थे, परंतु जब उन्होंने उस फल को खाया तब उनको महसूस हुआ कि भाई हम नंगे हैं, उनमें गिल्ट आ गया, अरे ये क्या हुआ। जब हम पाप में फंस जाते हैं तो हमारे अंदर भी वो गिल्ट आ जाता है, ये क्या हुआ, क्या आदम और हवा ने व्यभिचार किया? नहीं। क्या वो घमंडी थे? नहीं। कई बार हम सोचते हैं व्यभिचार करना, पोर्नोग्राफी देखना, शराब पीना, यही सब पाप है, परंतु किसी के प्रति ईर्ष्या रखना भी पाप है, किसी के प्रति जलन रखना भी पाप है, किसी के अगेंस्ट गॉसिपिंग करना भी पाप है, और इंग्लिश में एक वर्ड है ग्लटनी। ग्लटनी पता है आपको क्या होता है? ज्यादा खाना, वो भी एक पाप है। कुछ लोगों को आप देखेंगे जब उनके साथ आप बैठ के खाना खाएंगे तो शुरू से लेकर अंत तक वो खाते रहते खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं, स्पिरिट ऑफ ग्लटनी, उस वो भी एक पाप है। तो जब छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है कि ये मेरा सीक्रेट सिन है, जो गुप्त जो पाप आपको पता है, जो हो सकता है बाहर लोगों को किसी को पता भी नहीं होगा, परंतु शैतान उस पाप को जानता है और वो जानता है कि आपको कैसे गिराए, उस पाप के थ्रू कैसे गिराए। और जब आप गिर जाते हो तो आपको गिल्ट फीलिंग आता है, अरे मैंने क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आती है। उसके बाद आदम और हवा ने क्या किया, वो छुप गए। जब यहोवा आया उस वाटिका में, हर्ष दोपहर परमेश्वर उनके साथ संगति करने आता था, जब उसने बोला आदम तू कहां पे है, तो उसने बोला मैं छिपा हुआ हूं, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने, मैं छिपा हुआ हूं। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हम परमेश्वर से छिपने की कोशिश करते हैं, हमें चर्च आना पसंद नहीं होता। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमें परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी संगति हमें अच्छी नहीं लगती, हम दूर भागने लगते हैं, अपने अपने ही सर्कल में हम दूर भागने लगते हैं। और कई बार लोग बोलते हैं कि मैं चर्च तो नहीं आ रहा हूं परंतु मैं परमेश्वर से तो दूर नहीं हूं, चर्च तो मैं नहीं आ रहा हूं परंतु मैं परमेश्वर से तो दूर नहीं हूं। जब आदम हवा और परमेश्वर मिलते थे तो वो क्या था, एक चर्च था, वो एक चर्च था। तो जब परमेश्वर के लोग मिलते हैं वो एक चर्च हो जाता है। और जब हम पाप में गिरे हुए, हर एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति पहला कार्य ये करता है कि वो परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर भागता है, वो चर्च में आने से वो घबराता है, वो परमेश्वर के लोगों के प्रेजेंस में नहीं रह सकता, धर्मी लोगों के प्रेजेंस में रहना उसको बहुत एक वो हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, अरे मैं कैसे निकलूं इन लोगों के बीच में से, कैसे निकलूं, उसको लगता है कैसे भी हो मैं जाऊं, या तो वर्शिप के बाद आएंगे और जैसे आमेन, लास्ट आमेन खत्म होता है उससे पहले भाग जाएंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो संगति में रहे, वो फेस नहीं करना चाहते एक दूसरे को। तो जब हम पाप में गिरते हैं तो पहला गिल्ट हमारे जीवन में आता है, दूसरा हम परमेश्वर के प्रेजेंस से हम भागने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर ने जो कुछ अच्छे कार्य किए हम उन सब को भूल के, जो शैतान हमारे कान में बोलता है हम उसकी तरफ अपने कान को लगाते हैं, है ना, हम सबके जीवन में होता है, ऐसा नहीं हम सब बिल्कुल परफेक्ट लोग हैं, हम सबके जीवन में एक टाइम होता है जब हम ऐसे ऐसे एक तौर से जाते हैं, परंतु उस टाइम हमें कवरिंग में जाना है, हमें और परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना है। जब आपको लगता है कि नहीं मेरे को आज जाने का मन नहीं है, उस दिन और ज्यादा जल्दी आओ और लेट तक बैठो, क्योंकि जिस दिन आप छुट्टी मार के संडे के दिन घर में बैठोगे और टीवी ऑन करके उन सीरियल्स को देखोगे, उन गानों को सुनोगे, शैतान ऑलरेडी आपके दिमाग में काम करना शुरू हो चुका है। आप एक संडे मिस करोगे, दूसरा संडे वो ऑटोमेटिकली आपसे मिस करवाएगा, फिर धीरे 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 आप फिर पीछे हटने लगोगे। और जैसे मैंने बोला कि
जो पाप में जो व्यक्ति होता है वो परमेश्वर के प्रेजेंस में और धर्मी लोगों के प्रेजेंस में वो नहीं आना चाहता है। कल मैं एक ब्रदर से बात कर रही थी और वो मेरा ब्रदर मेरे को बोल रहे थे कि पास्टर जी प्रे करना, मेरा जो भाई है वो 24-25 साल का है और जॉब नहीं करता वो, और उसको हम इतना समझाते हैं कि तू जॉब कर ले, कुछ तो कर, कम से कम थोड़ी सैलरी ले, आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कुछ तो कर, तू घर में मत बैठ ऐसे। उन्होंने खूब काउंसलिंग किया, करते 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 चर्च भी जाना बंद कर दिया उसने। 1.5 साल तक वो चर्च भी जाना उसने बंद कर दिया। तो जो ब्रदर मुझसे कह रहे थे कि मेरे को इतना बुरा लगा, हमने काउंसलिंग छोड़ दिया उसके बाद, हमने बोला कि कम से कम परमेश्वर के प्रेजेंस में तो बैठे, काउंसलिंग अब हम नहीं करते, परंतु हम चाहते हैं ये परमेश्वर के प्रेजेंस में आता रहे। और उससे जब पूछा गया कि तू चर्च क्यों नहीं आता, तो उसने बोला कि मेरे को गिल्ट फीलिंग आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपवित्र हूं परमेश्वर के प्रेजेंस में आने से, मुझे लगता है कि नहीं वो स्थान मेरे लिए नहीं है, मैं गंदा व्यक्ति हूं, मैं खराब हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य नहीं हूं। जब हम पाप में फंसते हैं तो शैतान हमारे कान में यही सारी बातें करता है कि तू योग्य नहीं है, तू अपवित्र है। हमारे पूरे पुराने जीवन को शैतान हमें दिखाने की कोशिश करता है कि देख तूने क्या क्या पाप किया था, तू कैसे था, गंदा था, ये था। परंतु हमें उन सब चीजों को ओवरकम करते हुए परमेश्वर के प्रेजेंस में आके बैठना है। और कुछ दोस्त भी हमारे ऐसे होते हैं, हमें गिराने की कोशिश करते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में जाना चाहते हैं वो हमें नीचे गिराते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर रात को सोने से पहले स्टोरीज सुनाते थे, तो कुछ स्टोरीज मेरे को अभी भी याद है। उसमें से एक स्टोरी है केकड़े की स्टोरी, आप सबने सुना है। अगर एक कुएं में केकड़ों को डाल दो तो वो क्या करता है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करता है, वो केकड़ों को बाहर निकलने ही नहीं देता। हमारे जीवन में ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो जाते हैं जो केकड़ों के समान हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है। आप चर्च में वॉलंटियरिंग कर रहे हो, कुछ दोस्त ऐसे आएंगे तू क्यों कर रहा है वॉलंटियरिंग, क्या मिलता है तेरे को, सैलरी मिलती है, आपको खींचेंगे। तुम वर्शिप टीम में हो, तुम क्यों गाते हो, क्या जरूरत है, तुम्हारी आवाज कम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। तो कुछ दोस्त हमें खींचते हैं, हमें गिराने की कोशिश करते हैं और हमें पाप में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो भी शैतान के रूप में हमारे कान में बैठ के बोलते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऑलरेडी उनको पता है आपका कॉन्वर्जेशन क्या चल रहा है। तो शैतान उन कॉन्वर्जेशंस को यूज करते हुए आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। एक जोक सुनाऊंगी ताकि थोड़ा माहौल ढीला हो जाए। तीन फ्रेंड्स थे, तो तीनों फ्रेंड्स एक दिन घूमने गए और जंगल में वो घूम गए और उनको पता नहीं मैं हम लोग निकले कहाँ से, कैसे निकले, क्या करें। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तो घूमते घूमते उनको, मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और स्पिरिचुअली इसको नहीं ले सकते, एक जिनी मिल गई। जिनी होता ना, हमने कार्टून में देखा पहले, एक जिनी मिल गई, उसको उठा के बोला, तो जिनी उसमें से निकली, उसने बोला तुम्हें क्या चाहिए बताओ, एक एक विश तुम मांगो और तीनों की एक एक विश को मैं ग्रांट करूंगा, और जैसे ही तीसरा व्यक्ति अपनी विश को मांगेगा तो तुम तीनों की विश पूरी हो जाएगी। तो पहला जो फ्रेंड था वो बोलता है मेरे को अभी इसी स्थान से बाहर निकाल, मेरे को घर जाना है। सेकेंड व्यक्ति बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे अभी जाना है। तीसरा बोलता है ये दोनों निकल जाएंगे तो मैं अकेला फंस जाऊंगा, तो तीनों को मेरे साथ ही रखना। तो कहां फंस गए, वही फंस गए। तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जब हम आगे जाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, हमें पीछे खींचते हैं, हमें आगे नहीं जाने देते, वो हमें पीछे खींचते हैं। अब आप अपने डेस्टिनी में जा रहे होते हैं, वो आपको पीछे खींचते हैं। तो ऐसे केकड़े जो आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको कैंसिल कर दीजिए और बोलिए परमेश्वर मैं तेरे रास्ते पे ही चलूंगा। और जब पाप में हम आ जाते हैं तो हमारा और परमेश्वर के साथ जो रिलेशन होता है वो टूट जाता है। आदम और हवा, परमेश्वर रोज दोपहर को उनसे मिलने आता था
बात करने आता था। जब वो पाप में फंस गए, क्या उसके बाद परमेश्वर आया उनसे मिलने उस वाटिका में? पनिशमेंट तो मिलती ही है, परंतु हम एक रिलेशन में जो थे हम उससे भी दूर हो जाते हैं। मैं सोचती हूं जब परमेश्वर ने आदम को बुलाया कि आदम तू कहां पे है, अगर वो लोग बाहर आ जाते, आके बोलते कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई, हमने वो फ्रूट फल खा लिया जो तूने मना किया था, हमने खा लिया गलती से, हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे, क्या परमेश्वर उनको माफ नहीं करता? बिल्कुल करता परमेश्वर। और उस वाटिका में ही परमेश्वर उनको रखता। पनिशमेंट तो मिलता ही, जैसे हमारे घर में भी जब हमारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो सजा है, बट अगर सच बोलेंगे तो माफी है, अगर झूठ बोलेंगे तो बेल्ट है, परंतु अगर सच बोलेंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम मत करना। अगर आदम और हवा ने उस टाइम सॉरी बोल दिया होता, परमेश्वर से क्षमा मांग ली होती, तो परमेश्वर उनको वो प्रिविलेजेस दे देता, कुछ राइट्स उससे छीन लेता, परंतु कुछ आशीषें उनको दे देता। परंतु अब क्या परमेश्वर ने किया? परमेश्वर ने सब कुछ उनसे ले लिया, उनको उस वाटिका में से बाहर निकाला और बोला अब तुम मेहनत करोगे, अब तुम मेहनत करोगे। हवा को बोला जब तू बच्चों को पैदा करेगी तू दर्द के साथ पैदा करेगी, और सांप को अलग श्राप दिया, सांप को भी अलग श्राप दिया। तो जब हम पाप में फंसते हैं तो हम परमेश्वर से दूर भी होते हैं और परमेश्वर के उन कर्सेस को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन क्या है? कौन बताएगा सॉल्यूशन? क्योंकि हम सब बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं यहां इस भवन में। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? हम बढ़ा सकें, ना कि पीछे हटने के, हम अपने जीवन को एक नए रूप से, एक नए तरीके से हम शुरुआत करें, और शैतान को वो समय ना दे कि वो हमारे कान में बैठ के बोलता रहे। कई बार लेडीज बैठ के जब सीरियल्स देखती हैं तो हमें पता होता है जो सीरियल वो देख रही है वही उनके घर में होना है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही हमारे घर में होगा। इसलिए हमारे मेरे फादर हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही हमें बोलते थे सीरियल नहीं देखना। बचपन से जब कोई सीरियल हमारे घर पे चलता था और वो देखते थे अच्छा सीरियल चल रहा है, पटक टीवी ऑफ, कुछ भी देखो बट सीरियल नहीं देखना, क्योंकि जो सीरियल में होगा वही आपके जीवन में भी वही होगा। जब सीरियल में हम देखते हैं कि सास और बहू लड़ रहे हैं, हम सोचते हैं सास और बहू का रिलेशनशिप ही ऐसा होता है। जब हम सीरियल में देखते हैं कि वो चोरी कर रहा है तो हमें लगता है हमें भी चोरी करनी चाहिए। जब हम सीरियल में देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहा है तो हमें लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो ओके है। और आजकल सोशल मीडिया इतना हमारे दिमाग को खाता है कि हम वही करना चाहते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं। इसलिए परमेश्वर को बोल सकते हैं कि परमेश्वर जब हम पाप में, हमें जब टेम्पटेशन भी आता है, जब पहले दिन शैतान आपके कान में आके बोलता है, उसी टाइम आप प्रेयर कवरिंग में आ सकते हो, बोल सकते हो कि परमेश्वर मेरे को प्रोटेक्ट कर, मेरे सोच विचार को प्रोटेक्ट कर, मेरे मन को प्रोटेक्ट कर, मेरे मुंह से निकले हुए हर एक बात को प्रोटेक्ट कर, ताकि मैं शैतान को ऐसा मौका ही ना दे पाऊं कि वो मेरे जीवन में कोई भी कार्य कर पाए। और जो अकेले में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब आप अकेले बैठते हो, एनालाइज करो आप उस अकेले में टाइम को क्या कर रहे हो। क्या आप वचन पढ़ रहे हो? क्या आप वर्शिप सॉन्ग सुन रहे हो? आप क्या कर रहे हो उस अकेले टाइम में? या यूट्यूब में आप कोई और गाने सुन रहे हो? आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जब आप अकेले में बैठते हो उस टाइम आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अकेले के टाइम में शैतान आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। जब आप अकेले बैठते हो आपका सोच विचार अलग घूमता है, उस टाइम शैतान आपको आके अटैक करने की कोशिश करेगा। तो जब आप अकेले बैठते हो आपका सीक्रेट सिन क्या है, जो गुप्त में आप क्या पाप कर रहे हो,
क्योंकि वो ना हस्बैंड को पता होगा ना वाइफ को पता होगा. हस्बैंड्स, जब आप रात को सो रहे हो तो आप मोबाइल में क्या देख रहे हो? सीक्रेट सिन आपका क्या है? उसमें से आप कैसे निकलोगे? उसमें से आप तभी निकल सकते हो जब आप परमेश्वर के साथ अपना टाइम और बिताओगे. अगर मैं आज अभी इस टाइम पूछ लूं कि आपने आज दिन में कितनी देर प्रार्थना की, कोई बता सकता है? मैं माइक नहीं भेजूंगी क्योंकि मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहती हूं. आज आपने कौन सा वचन पढ़ा बाइबल में से, और कितनी देर आपने बैठ के प्रार्थना की? उसी टाइम अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने फेसबुक में कितना टाइम स्पेंड किया? आपने व्हाट्सएप पे कितना टाइम स्पेंड किया? आपने सोशल मीडिया में कितना टाइम स्पेंड किया? आप अपने जीवन को खुद कंपेयर कर सकते हो कि आपका सबसे ज्यादा टाइम कौन आज के दिन में खा रहा है. क्या परमेश्वर है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फोन जिससे आप बात करते हो डेली, कौन है? आप हर शाम किसी के घर में चाय पीने जाते हो, क्या वो आपका टाइम ले रहा है? वो टाइम जब आप परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, परंतु आप अपने फ्रेंड के साथ रोज शाम को चाय पी रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो और गॉसिपिंग कर रहे हो. आपको एनालाइज करना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है और आपके जीवन में सीक्रेट सिन क्या है, गुप्त पाप आपके जीवन में क्या है. वो मैं नहीं बता सकती हूँ, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके जीवन में सीक्रेट सिन क्या है. और सबसे अच्छा क्रिटिक आप ही बन सकते हो आपके जीवन में. आपका हस्बैंड, आपका वाइफ जितना चाहे आपको बोले, जब तक आप अंदर से आपको नहीं आता कि नहीं ये गलत है और मेरे को चेंजेस लाना है, तब तक आपके जीवन में चेंजेस नहीं आएंगे. मेरे को याद है पास्टर जी जब 2 साल पहले 105 किलो के थे, हम सब बोलते थे आप का वेट बढ़ रहा है, आप मोटे हो रहे हो. 110 तक चला गया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. तो हम सब बोलते थे कि आप मोटे हो रहे हो, मोटापा कम कर दो, कम कर दो. तो कुछ नहीं होता था. बट एक दिन खुद को आया कि हाँ, अब मेरे को कम करना है. उसी दिन से वो शुरू हुआ वो प्रोसेस. तो कई बार आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रिय मित्र जो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपको कुछ बोलेंगे, उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा. परंतु जब आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करोगे, उस टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ, ये गड़बड़ है, मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ. जैसे हमने अभी 1 महीना पहले वर्शिप टीम के साथ एक ग्रुप हमारा पहले भी चलता था, बट हम वर्शिप टीम में अब बताते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा और कितना टाइम हमने प्रे किया. जितने भी वर्शिप टीम के लोग हैं, हम सब शेयर करते हैं कि आज हमने कौन सा वचन पढ़ा, बाइबल में से क्या पढ़ा और कितनी देर हमने प्रार्थना की. तो हम अकाउंटेबल हैं एक दूसरे से. हमें पता है कि अच्छा, हमें टाइम स्पेंड करना है. ऐसे फ्रेंड्स आपके साथ खड़े होते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप अपने डेस्टिनी के ओर चल रहे होते हो. और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, तो आपको पता है आपको गलत क्या है और सही क्या है. और आखिरी एक आयत और पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन 18:24. कई बार जब हम परेशानी में जा रहे हैं, जब हम ट्रबल्स में जाते हैं, तो हम एक ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जो हमारे साथ खड़ा हो सकता है. जब हमें लगता है कि हम टेम्पटेशंस में जा रहे हैं, तो हमें लगता है कोई अगर हमारे साथ होता हमें बचाने के लिए, हमें काउंसिल करने के लिए, उस टाइम हमें लगता है कोई हमारे साथ होना चाहिए. परंतु वचन क्या कहता है, नीति वचन 18:24. मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है. ऐसा मित्र जो यीशु मसीह भाई से अधिक, आपके चलने फिरने, उठने बैठने में अगर परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर तू उस मित्र से भी अच्छा है मेरे लिए, उसको आप प्रथम स्थान दोगे तो आप बचे रहोगे. आइए वर्शिप टीम आएंगे और इस टाइम हम एनालाइज करेंगे अपने जीवनों को.
और बोलेंगे परमेश्वर अगर मेरे जीवन में भी ऐसा कोई सीक्रेट सिन है, हो सकता है आपने लोगों के सामने आप बिल्कुल पवित्र होंगे, आप सफेद कपड़ों में घूमते होंगे, आप फास्टिंग प्रेयर में 40 दिन के फास्टिंग प्रेयर में होंगे, परंतु आपके जीवन में ऐसा एक सीक्रेट सिन, ऐसा गुप्त पाप है जो कोई नहीं जानता, परंतु यीशु मसीह आपके हर एक गुप्त पाप को जानता है, उससे कोई बात छुपी नहीं हुई है। और अगर आज इस स्थान में आप कन्फेस करोगे, आप अंगीकार करोगे परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं इस पाप में, इस गुप्त पाप में परमेश्वर मैं फंसा हुआ हूं, तू मुझे छुड़ा ले, तू मुझे बचा ले, वो परमेश्वर आज भी वही सामर्थ रखता है और आपको बचाने की ये परमेश्वर आज आएगा। आज आप बोल सकते हो कि परमेश्वर तेरे सिवा मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई होप नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है परमेश्वर, परंतु तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा उम्मीद है। बोलिए परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, मैं खत्म ना हो जाऊं परमेश्वर, दुष्ट की उन योजनाओं में मैं खत्म ना हो जाऊं परमेश्वर। पिता परमेश्वर जैसे तूने आदम और हव्वा को हर एक आशीष दी थी पिता परमेश्वर, परंतु एक कमांड जो तूने उन्हें दिया उसको उन्होंने सुना नहीं, उस पाप में वो फंस गए, और फिर वो जो आशीष तूने उनको दी थी उन आशीषों से वो पीछे हट गए। पिता ऐसा ना हो खुदावंत कि जो आशीषें तूने दी है, जो गवाहियां तूने दी है पिता परमेश्वर, जो ब्लेसिंग्स तूने दी है पिता परमेश्वर, हमारे उस गुप्त पाप के वजह से पिता हम श्रापित हो जाएं। जिस तरह तूने उन दोनों को उस वाटिका से निकाल कर बाहर कर दिया पिता, हम तेरे उस कवरिंग से बाहर नहीं जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया आज हम एक प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर हमें वो बुद्धि देना, ऐसा बुद्धि दे पिता कि जब शैतान हमारे कान में आके बोलेगा तो हम समझ पाए कि तेरी आवाज कौन सी है और शैतान की आवाज कौन सी है। अपने मुंह को खोल के आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर ऐसी बुद्धि दे, ऐसा विवेक मुझे आज के दिन में दे परमेश्वर, जिस तरह हवा के कान में शैतान आके बोले जाता था, बोलता जाता था, बोलता जाता था, और एक दिन वो पाप में जाके फंस गई। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई रिलेटिव, हमारी ऐसी कोई गुप्त बात पिता परमेश्वर जब हम अकेले में होते हैं वो बात बार 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 हमारे कान में आके बोलती रहती है और हम पाप में फंस जाएं। परमेश्वर ऐसे बुद्धि ऐसे विवेक दे पिता परमेश्वर। पिता जिस प्रकार सुलेमान ने तुझसे बुद्धि मांगी पिता परमेश्वर, आज हम तुझसे बुद्धि मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता कि हम सिर्फ तुझसे प्रेम कर पाए और तेरे वचन के अनुसार ही हम चल पाए पिता परमेश्वर, तेरे आज्ञाओं के अनुसार ही हम चल पाए पिता परमेश्वर। हमारे सामने पिता परमेश्वर और कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ तू ही तू है पिता परमेश्वर। हम जीवन भर पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम करें और तेरी आज्ञाओं पे चलें। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे ही मार्गों पे चलूं पिता परमेश्वर और तुझी से प्रेम करूं पिता परमेश्वर। मैं पाप में ना फंसू पिता परमेश्वर, शैतान की उन युक्तियों से पिता परमेश्वर मुझे बचा के रखना, मुझे संभाल के रखना, मुझे खत्म नहीं होने देना पिता परमेश्वर।